तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक पे, चाहे वो आपका पेज हो या फिर आपका जो प्रोफाइल है, उस पर आप कैसे आप अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। 2024 का जो न्यू अपडेट आया है, उसके बाद जो उसका जो सेटिंग है थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है अपने नेम को चेंज करने में फेसबुक पे। बहुत लोग को नहीं मिल पाता है कि कहाँ से अपने नेम को चेंज किया जाता है, कहाँ से सेटिंग है उसका, तो उसको नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी अपने नेम को चेंज करना चाहते हैं फेसबुक पर से और आपको नहीं मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो में आप बन रहे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने नेम को चेंज कर सकते हैं फेसबुक। चलिए देख लेते हैं कैसे अपने नाम को चेंज किया जाता है फेसबुक में। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो फेसबुक है उसको ओपन कर देना है। तो हम यहाँ से अपना जो फेसबुक है उसको ओपन कर लेते हैं। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए साइन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसको नीचे की तरफ कर देना है। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो सिंपली सबसे पहले आपको इसको ओपन कर देना है। इसको हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में आके आपका सेटिंग, तो सिंपली आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख जाएगा अकाउंट सेंटर ब्लू कलर में लिखा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा। प्रोफाइल है, करेंटेड एक्सपीरियंस है, अकाउंट है, पर्सनल डिटेल्स है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख रहा होगा प्रोफाइल, तो आपको उसको क्लिक कर देना है। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा खुल के। देखिए थोड़ा स्लो चल रहा है नेट, तो देखिए खुल के आ गया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम। मतलब कि अगर आपका इंस्टाग्राम अगर आपके फेसबुक से कनेक्ट है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी का भी नेम चेंज कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम का भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, या फिर आप सिर्फ फेसबुक का करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उसको क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें होगा नेम, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, अवतार। मतलब कि आप ये सारा कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नाम भी चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, अवतार को भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यूजर नेम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा दिख जाएगा यूजर नेम, जो कि इस तरह का होता है यूजर नेम, जो आपके भी फेसबुक में होगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसे नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा सारा कुछ। तो आप जो भी नेम को चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंह है, इस जगह पर हम कुछ और भी लिख देंगे। मतलब कि आपको जो भी नाम रखना होगा सिंपली से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आराम से अपना नाम। नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रिव्यू चेंज का ऑप्शन आता है, सिंपली से आपको उसको क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो नेम है कुछ सेकंड के बाद आपका नेम चेंज हो जाएगा एकदम आसानी से। और आपको नेम को कुछ ऐसा रखना है कि उसको बार बार चेंज करने का जो जरूरत है वो ना पड़े, क्योंकि जब आप एक बार अपने नेम को चेंज करेंगे उसके बाद आप 60 दिन के अंदर आप अपने नेम को दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक 60 दिन नहीं होगा आप अपना नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं। 60 दिन के बाद आप फिर से उसको अपने नेम को चेंज कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के अपना नाम को चेंज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी इंस्टा को फॉलो करके, एकदम अच्छे तरीके से फॉलो करके आप भी अपने जो फेसबुक का जो नाम है उसको सही से चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, अगर अभी वैसा करेंगे तो आपका जो नाम है एकदम सही से चेंज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।